Hey everyone, welcome back to Pooja's family channel and I am Pooja. So guys, कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे. सो गाइज़, यहाँ पे हो रही है सावन के तीसरे सोमवार की पूजा. तो बस यहाँ पे हम सब लोग कर रहे थे पूजा. यहाँ मैं क्लिप निकाल रही हूँ इसलिए मैं नहीं दिख रही हूँ वीडियो में, तो मैं क्लिप इसलिए निकाल रही थी बिकॉज जो हमारे सावन के सेकंड सोमवार की पूजा हुई थी तो उसमें दिव्यांशी नहीं आई थी. तो बस मैंने सोचा पहले मैं उनकी क्लिप निकाल लेती हूँ, बस तो उन्हीं की क्लिप निकाली है. और सो गाइज, फिर आज है सोमवती अमावस्या, जैसा कि आप लोगों के यहाँ पे पता ही होगा, कई कई जगह पता होगा, कई कई जगह नहीं भी पता होगा. तो बस यहाँ पे उसी पूजा के लिए यहाँ हम सब लोग बैठे हैं, यानी कि तुलसा जी की फेरी लगाई जाती है. 108 बार तुलसा जी के मतलब राउंड राउंड घूमा जाता है, तो फेरी लगाई जाती है तुलसा जी के किनारे किनारे. आप लोगों को आगे वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा कि कैसे क्या क्या हम लोगों ने किया है. तो बस ये वाला ब्लॉग जो है ये सिर्फ पूजा का ब्लॉग है मेरा. तो सारी पूजा आज मैंने दिखाई है आप लोगों के कि हाँ हम लोगों ने मतलब कैसे कैसे पूजा की थी. तो यहाँ पर बस सबसे पहले जल चढ़ा दिया गया है तुलसा जी के ऊपर, और बस यहाँ पे लिखा जा रहा है उससे महावर से मतलब रंग से लिखा जा रहा है. यहाँ पे तुलसा जी के पौधे पे लिखा जा रहा है सीता राम लिखा जा रहा है. तो बस यहाँ पे अभी जो प्लानिंग चल रही थी, मींस उस टाइम की जो प्लानिंग थी वो मैं बता दूँ. यहाँ पे सिर्फ तीन जने फेरी लगाने जा रहे थे, जैसे चाची, मम्मी और छोटी चाची. मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हाँ मैं लगाऊंगी भी या नहीं लगाऊंगी. तो यहाँ पे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे फेरी लगाने के लिए मतलब आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हो, जिस जो चीज़ आपको मतलब चाहिए, मतलब जिस भी चीज़ से आप चाहते हो मीन्स उसी चीज़ से लगा सकते हैं. यहाँ पे मतलब 108 बार उसके राउंड तुलसा जी तुलसी माता जी के मतलब 108 बार राउंड लगाने होते हैं. तो बस आप लोग उसमें से मतलब कुछ भी चीज़ ले सकते हैं. एक तो जौन तो स्पेशल होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जौन से ही फेरी लगाई जाती है. और फिर उसके बाद आप लोग प्रसाद के लिए कुछ भी ले सकते हैं. यहाँ पे चाची दोनों चाची ने टॉफ़ी ली थी, मम्मी ने मखाने ले रखे हैं. तो बस अभी मेरी कोई प्लानिंग नहीं है कि हाँ मैं भी करूँगी, इसलिए ये तीनों जो नहीं पूजा कर रहे हैं. मेरी कोई प्लानिंग ही नहीं थी कि हाँ मुझे भी करना है, क्योंकि मेरा 3 साल हो चुके हैं. ये मतलब तीसरी बार है, तो तीसरी बार मैं 3 साल हो चुके हैं, तीसरी साल चल रही है मेरी शादी को. तो मैंने आज से फिर स्टार्ट कर दी थी. मतलब उस टाइम कोई प्लानिंग नहीं थी कि हाँ मैं करूँगी. मैं भी कह रही थी कि अब मुझे भी करना है, मुझे भी फेरी लगानी है. तो फिर बस फिर उसके बाद सब लोगों ने बोला तो ठीक है, तो फिर तुम्हें भी करना चाहती हो तो ठीक है कर लो. तो अभी कोई प्लानिंग नहीं थी इसलिए अभी ये तीनों जो नहीं पूजा कर रहे हैं. तो बस यहाँ पे तुलसी माता जी को भी कपड़ा जो उनके मतलब कि कपड़ा होता है वो पहना दिया जा रहा है. लाल कलर का है ये कपड़ा, तो बस उन्हें पहना दिया जाएगा. सो बस अब जितना भी सारा श्रृंगार का सामान होता है वो तुलसी माता जी पे चढ़ा दिया जाता है. जैसे कि बिंदी होती है वो लगा दी जाती है, लिपस्टिक होती है वो लगा दी जाती है, हर चीज़ मतलब. यहाँ पे मम्मी बिंदी लगा रही हैं, चाची भी लगा रही हैं, मतलब सब लोग बिंदी लगा रहे हैं. और फिर उसके बाद महावर वगैरह हर चीज़ पहले उन पे छुआ दिया जाता है, फिर उसके बाद अपना लगाना होता है. तो बस यहाँ पे जितने भी सारे श्रृंगार के सामान होते हैं वो तुलसी माता पे थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा दिए जाते हैं. यहाँ पे चूड़ी चढ़ा दी गई थी, बिंदी भी लगा दी गई थी, लिपस्टिक भी लगा दी थी हल्की सी. तो सारा सामान लगा दिया जाता है और उनके पास रख दिया जाता है सारा सामान तुलसी माता जी के सामने. तो बस यहाँ पे मैं पिन लेने चली गई थी कि हाँ पिन से मैं इसे अटैच कर दूँगी, तो ये रुका रहे यहाँ पे, क्योंकि जो तुलसी माता जी के कपड़े थे वो मतलब जो कपड़ा था वो बार बार निकलता जा रहा था. तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं पिन ले आती हूँ, तो मैं वही पिन लेने के लिए गई थी. तो यहाँ मैं पिन लेके आ चुकी हूँ. यहाँ मैं पिन लगा दूँगी पीछे की साइड से कि जो कपड़ा है वो इधर उधर ना भागे और अच्छे से मतलब उस पर सेट हो जाए तुलसी मैया पे. तो बस यहाँ पे चाची धूपबत्ती दिखा दे रही हैं. सो सब लोग महावर लगा लेंगे, तब मेरी प्लानिंग बनेगी कि हाँ मैं भी कर लेती हूँ पूजा. तो बस अब यहाँ पे फिर मेरी प्लानिंग बन चुकी थी कि हाँ मतलब कि मैं भी करूँगी. तो बस फिर मैंने भी कर ली थी, मैंने कहा लाओ मैं भी कर ही लेती हूँ. तो यहाँ पे मैंने भी थोड़ा बहुत चीज़ जो होता है वो मैंने भी कर दिया था अपना. यहाँ पे मैं सिंदूर लगा दे रही हूँ, प्रसाद चढ़ा दे रही हूँ, पैर छूलूँगी यहाँ पे और जल चढ़ा दूँगी और फिर प्रसाद चढ़ा दूँगी.
तो बस अब आ गई है फेरी लगाने की बारी। यहाँ पे 108 बार फेरी लगानी होती है, तो मैं यहाँ पे जोन से लगा रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था, जो भी फर्स्ट बार करते हैं ना तो उसे जोन से लगाते हैं। ये चीज़ मुझे मेरे घर वालों ने, यानी कि मीन्स मेरे बड़े लोगों ने बताई है कि मतलब जो स्टार्टिंग में पहली बार करता है तो वो पहले जोन से लगाता है, फिर उसके बाद अपना कुछ भी जो मन हो उसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जोन से लगा रही हूँ और सब लोग टॉफ़ी है सबके पास और मखाने हैं, वो उन चीज़ों से लगा रहे हैं। यहाँ 108 बार लगानी थी, एक एक दाना, मतलब जो का एक एक दाना, और जो चाची वगैरह ने सबने टॉफ़ी ले रखी है, मखाने ले रखे, एक एक मखाने रख के पैर छू के फिर आगे बढ़ना होता है। तो ये चीज़ 108 बार करनी होती है, तो वही हम लोग कर रहे हैं और खूब अच्छा लगा था हम लोगों को करके। सो गाइस चलो आप लोग तब तक देखते रहो, मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ। और वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी अच्छी वीडियो लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। सो कुछ इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी फेरी लगा ली है, फेरी हमारी पूरी हो चुकी थी। तो बस अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे आरती करने के लिए। तो अब हम सब लोग यहाँ पे आरती कर रहे हैं, आरती हम लोगों ने फ़ोन में चला दी थी, फ़ोन से ही हम लोग आरती गा रहे हैं अपनी। तो बस यहाँ पे हम चारों जनों ने अपनी आरती की थाली पकड़ रखी है और आरती कर रहे हैं हम लोग अच्छे से। सो गाइस बस हम लोग जब फेरी लगा रहे थे तो फेरी लगाते लगाते हम लोगों ने गीत वगैरह भी गाए थे, तो मैंने वहाँ पर अपनी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था मींस, तो वो मैंने बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाउडली था, इस वजह से मैंने बंद कर दिया था। नहीं तो हम लोग उसमें गीत गा रहे थे, गीत वगैरह गाए थे, 5-6 गीत हम लोगों ने गा लिए थे और काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को करते करते। सारी क्लिप तो नहीं दिखा पाई है, वो 108 चक्कर के बारे में मींस नहीं दिखा पाई, थोड़ी बहुत आप लोगों से शेयर कर ही दिया है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैंने तो पहली बार किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ मैं फ़ोन मांग रही थी कि मैं अपने पास रख लूँ, उसकी जो वॉल्यूम थी वो बहुत कम आ रही थी दूर से, तो बस यहाँ मैंने फ़ोन अपने पास रख लिया है आरती करते टाइम। तो बस मैंने फ़र्स्ट बार किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा चीज़ करने में। और हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में मॉर्निंग में मतलब अपना काम वगैरह करने के बाद पूजा अपनी कर ली थी, क्योंकि सोमवार वाले दिन ही थी, सोमवती अमावस्या तो उसी दिन होती है, तो बस हमारा सोमवार का फास्ट भी था उसी टाइम। तो पहले हम लोग मंदिर चले गए थे, मंदिर में पूजा वगैरह करके आ गए थे, देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अपनी पूजा कम्प्लीट कर ली थी। तो बस यहाँ पर हम लोगों की आरती हो ही रही है, आरती हमारी समाप्त हो चुकी है, तो बस अब हम पैर छू लेंगे तुलसी माता जी के। सॉरी गाइस, तो बस हम लोगों ने तुलसी माता जी के पैर छू ले रहे हैं और माथा टेक लेंगे तुलसी मैया के आगे अपना। और जो तुलसी मैया का जो कपड़ा था वो नीचे खिसक गया था थोड़ा सा, आप लोग देख ही सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमने अपने पैर छू लिए हैं और माथा भी टेक लिया है तुलसी मैया के आगे। तो बस यहाँ पे जो सिंदूर है वही सब लोग लगा रहे थे, तो चलो मैं चलती हूँ ऊपर, जल चढ़ा के आ जाती हूँ, बिकॉज मैं जल चढ़ा के नहीं आई थी ऊपर, सब लोग चढ़ाए आए थे जल, मैं नहीं चढ़ा के आई थी क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया था, साड़ी वगैरह ड्रैप करते करते मुझे लेट हो जाता है क्योंकि मैं अपने आप कर भी नहीं पाई, और ऐसी टेढ़ी मेरी साड़ी पिनी है आज तो पूछो मत।
तो बस यहाँ पे मैं जल चढ़ा दे रही हूँ अपना। मैं दो जल इसलिए लेके आई थी, एक जल मैं शंकर भगवान जी पे चढ़ाने के लिए लेके आई थी और एक जल मैं यहाँ पे विष्णु भगवान जी पे चढ़ाने के लिए लेके आई थी। तो बस केले के पत्ते पे चढ़ाने के लिए लेके आई थी। हम लोगों ने 3-4 बार लगाया है, केले का पत्ता नहीं हो पाया, पर इस बार हो चुका है। बंदर बंदर छोड़ते नहीं है यार, बंदर पता है आते हैं और वो पूरा बेकार करके चले जाते हैं। एलोवेरा भी लगा था, एलोवेरा भी पूरा उखाड़ के चले गए हैं बंदर। तो बस यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मस्ती हो गई पूजा के टाइम पे ही। तो बस चलो चलते हैं नीचे, मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे जाके मैं अपना जो लोटा वगैरह मैं लेके आई थी तो बस वहाँ पे रख दूँगी और बस पैर छू लूँगी। सो गाइस फिर मैं चली जाऊँगी कमरे में। सो गाइस चलिए आप, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो पे जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइस बाय बाय, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो फाइनली गाइस मैंने कर ली है अपनी पूजा, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करी थी अपनी पूजा। तो बस इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इस ब्लॉग में सिर्फ हमारी पूजा की ही वीडियो आएगी। तो और बस और कुछ ज़्यादा नहीं है इस ब्लॉग में। सो गाइस चलो मैं चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आप लोग बने रहे मेरे संग, और भी कुछ खास है, और भी कुछ खास होगा वीडियो में कि हाँ अभी मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करूँगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो गाइस चलिए बाय, लव यू ऑल।